बालाजी फर्नीचर हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर हनुमान सिंगला व संजय सिंगला की ओर से विश्वकर्मा दिवस भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव पीली मंदोरी में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने मीटिंग कर जिला उपायुक्त व पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। मीटिंग में आसपास के कई गांवों के लोगों ने भाग लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता बिजलाल कृपासना ने की। मीटिंग के उपरांत ग्रामीण जिला उपायुक्त जगदीश शर्मा व पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग रखी कि गांव पीली मंदोरी के आसपास के अनेक गांवों में चिट्टे का कारोबार अधिक है, इससे युवा वर्ग दिशाहीन हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि चिट्टे के कारोबार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाए। उन्होंने मांग की कि युवाओं को चिट्टे से दूर करने के लिए उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए। इस दौरान ग्रामीण बिरलाल कड़वासरा, विजय सिंह जाखड़, धर्मवीर गोरचिया, सतपाल हनुमान कुकणा, सुयश पाल डूडी सहित गांव बन मंदोरी, ठुइया, ढाबी कला, ढाबी खुर्द के लोगों ने भाग लिया। बट्टू कला पुलिस ने नाजायज पिस्तौल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी शादीराम ने बताया कि एससी पूनम चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम जब लुदेसर चौक पर पहुंची तो फतेहबाद रोड की तरफ से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने को देखकर युवक वापस मुड़कर तेज गति से चलने लगा, जिस पर शक के आधार पर रोककर पुलिस ने पूछताछ की। युवक ने अपना नाम गांव कागदाना निवासी विकास कुमार बताया। युवक की जेब से एक नाजायज पिस्तौल 12 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।